जो बड़ी खबर आ रही है वो बिहार के सारण से आ रही है। बाद हिंसा होती है और इस पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव में हिंसा होना गलत है और इस पर वो ये कहते हैं कि ये बौखलाहट साफ तौर पर प्रशासन की दिखाती है और इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, प्रशासन निष्पक्ष एक्शन इसमें ले। जिस तरह से इसमें आपस में दो गुट भिड़ जाते हैं, कल हमने देखा कि चुनाव में जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि चुनाव में इस तरह की हिंसा होना गलत है, ये हार की बौखलाहट दरअसल दिखा रहा है। आपस में ही भिड़ गए थे दरअसल कल बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ता। जो आज सुबह घटना हुई है, शायद सुनने में आ रहा दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, दो लोग फरार हैं और प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के दो लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन को लोगों को इस बात को देखना चाहिए। तो जिस तरह से चपरा की घटना सामने आई है उसके बाद रोहिणी आचार्य ने भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा है कि ये बीजेपी की हताशा है जिसकी वजह से ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको। रोहिणी आचार्य ने भी बीजेपी पर हमला बोला है, घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ बताया है और कहा है बीजेपी हार के डर से हताश है। तो रोहिणी आचार्य ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं और ये कह दिया है कि बीजेपी का ही हाथ है। दरअसल आपस में छपरा में चुनावी रंजिश में फायरिंग हो गई, बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ता भिड़ गए थे, जिसके बाद रोहिणी आचार्य ने ये कहा कि हार के डर से बीजेपी हताश है। मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है हर एक बूथ पे, आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ, वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे कि गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में, उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए, तो हम फिर अंदर क्या करने आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है, उसके बाद से ये लोग पत्थर बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। तो जिस तरह से ये फायरिंग की घटना सामने आई थी उसको लेकर अब सियासत भी होती नजर आ रही है। चुनावी हिंसा हुई जिसमें आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिस पर रोहिणी आचार्य ने अब भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए, कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हताश है और इस घटना के पीछे ही उनका हाथ बताया गया। तो तस्वीरें लगातार हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और उधर छपरा में मृतक का शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस से प्रदर्शनकारियों की इस दौरान झड़प भी हो गई और प्रदर्शनकारियों पर उनको पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में कि किस तरह से वहां पर जो स्थिति है वो पैदा हो गई थी कि पुलिस को फिर उनको कंट्रोल में करने के लिए ये देखिए कुछ कहा सुनी होती है। शव रखकर दरअसल प्रदर्शन कर रहे थे, इस झड़प के दौरान जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका शव रखकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था, कई इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं और एक की मौत हो गई है और उसका शव रखकर यहां प्रदर्शन हो रहा था और कुछ उपद्रवी यहां पर आ गए। इस दौरान कुछ हिंसा यहां पर करते हुए नजर आ रहे थे, पुलिस उनको कंट्रोल कर रही थी, पुलिस से कुछ कहा सुनी भी हुई। जब कंट्रोल नहीं हुई स्थिति तो फिर उसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आपस में ही भिड़ गए थे कल चुनाव के बाद, पांचवें चरण का कल चुनाव हो रहा था, बिहार में भी वोटिंग होनी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपस में ही भिड़ जाते हैं सलोनी जो आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी जो है वो आरजेडी पर निशाना साध रही है कि वहां पर आकर रोहिणी आचार्य जो है वो भड़काती है, तो वहीं आरजेडी जो है वो बीजेपी पर इसका आरोप लगा रही है। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच अब हालात गंभीर होते जा रहे हैं, विरोध और बढ़ता जा रहा है। मृतक का शव रखकर दरअसल प्रदर्शन किया गया है, पुलिस से प्रदर्शनकारियों के ऐसे में झड़प भी हो गई। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, मौके पर पुलिस पहुंची शांत कराने के लिए, लेकिन गुस्सा लोगों का बढ़ता गया।
प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करना पड़ा है उन्हें काबू में करने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब तो सुबह हमारे लड़का को आते जा रहे हैं पढ़ने, हाँ पढ़ने जा रहा है, अब वहाँ से घर से निकला है पढ़ने के लिए, अब क्या हुआ, हम सबको फोन है भिखारी चौक से कि आपके लड़का के गोली लग गया, हम वहाँ से दौड़ कर गया है, तब तक यहाँ लड़का हमारे हॉस्पिटल में था, इसका मामला नहीं है। ये तो मान कल इलेक्शन था, आज कांड हुआ है। घटना हुई थी दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, जो कहासुनी हुई थी, पत्थरबाजी भी हुई थी, उसी प्रतिक्रिया में आज यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फायरिंग की गई है। यहाँ पर 3 व्यक्तियों को गोली लगी है जिनमें से 1 की मृत्यु हुई है। पुलिस लगातार यहाँ पर घटनास्थल पर कैंप कर रही है और जो भी हमारे महत्वपूर्ण एरियाज़ हैं वहाँ पर भी हम एरिया डोमिनेशन अपना कर रहे हैं। शांति स्थापित करने के लिए 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का भी आदेश पारित किया गया है, कुछ ही देर में इंटरनेट सेवा बंद हो जाएगी। मैं सभी से अपील करूंगा कि शांति बनाए रखें, पुलिस अपना काम कर रही है, जो घटना में शामिल थे हम लोग चिन्हित कर रहे हैं उन लोगों को, 2 संभावित व्यक्तियों को।